कृष्ण भक्त मीर माधव की कहानी। एक अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण जो मुल्तान का रहने वाला था, वो उत्तर भारत में आकर रहने लगा। वो नित्य पूजा पाठ करता, भजन गाता, हरि के चरणों में ही ध्यान लगाए रहता था। वह ब्राह्मण जिस घर में रहता था, उसी घर में अन्य व्यक्ति भी रहता था। वो व्यक्ति मुगल राजा का दरबारी था। हर समय वह ब्राह्मण अपने पूजा पाठ के बाद कृष्ण के गीत, गीत गोविंद की पंक्तियां भी गाया करता था। एक तो गीत गोविंद रचना का रस, दूसरा उस ब्राह्मण की वाणी का कौशल। ऐसे में वहाँ का वातावरण बड़ा ही मनोरम और भक्तिमय हो जाया करता था। जिस समय ब्राह्मण देव गीत गोविंद के पद गाते, उसी समय वो मुगल दरबारी अपने काम को निकलता और सीढ़ियों तक आते हुए जब उस भजन के स्वर उसके कानों में पड़ते, तो वो भाव विभोर हो कुछ पल के लिए उस भजन में खोकर वहीं खड़ा हो जाता। जब ब्राह्मण देव भजन को विराम देते, तभी वो दरबारी भी अपने काम पर चला जाता। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। दरबारी के भजन सुनने की बात जब ब्राह्मण देव को पता चली, तो एक दिन उन्होंने उस दरबारी से पूछा, महोदय, आप हर दिन इस भजन को सुनते हैं? तो दरबारी ने कहा, हाँ, सुनता तो हूँ और अच्छा भी लगता है, परंतु उसकी पंक्तियाँ समझ नहीं आती हैं। उस गीत की लय इतनी मधुर है कि जब आप गाते हैं तो मैं अपनी शुद्ध बुद्ध खो बस उसी में डूब जाता हूँ। यह कहकर उस दरबारी ने ब्राह्मण देव से पूछा, ब्राह्मण देव, आप ये भजन कहाँ से सीखे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? ब्राह्मण देव बोले, महोदय, ये पद गीत गोविंद के हैं। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको भी सिखा दूंगा। इस बात को सुनकर वह मुगल दरबारी प्रसन्न हो गया और अगले दिन से वो भी उन ब्राह्मण देव के साथ उन पदों को सीखने लगा। धीरे धीरे वो मुगल दरबारी भी गीत गोविंद के पदों को सीख गया। अब वो दोनों मिलकर हर सुबह साथ में उन पदों को गाने लगे। एक दिन जब वो दोनों साथ में बैठे थे, तब ब्राह्मण ने उस दरबारी से कहा कि आप इन पदों को गाते तो हैं, लेकिन हर किसी स्थान पर इन पदों को मत गाना, क्योंकि ये पद कोई साधारण पद नहीं है। यह सुनकर दरबारी ने पूछा, ऐसा क्या है इन पदों में? यह सुनकर ब्राह्मण देव बोले, महोदय, ये पद जहाँ कहीं गाए जाते हैं तो इन्हें सुनने को भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं उपस्थित रहते हैं, इसलिए जब भी आप इन्हें गाएं तो श्री कृष्ण के लिए एक आसन लगा दिया करें। यह सुनकर उस मुगल दरबारी ने कहा, ब्राह्मण देव, ऐसा कर पाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम तो किसी और का कार्य करते हैं। दरबार में कभी कभी तो रात में भी कार्य करना पड़ता है, कभी तो कई दिन तक घर पर भी नहीं आ पाते हैं। ऐसे में हम इस नियम का पालन कैसे करें? तब ब्राह्मण देव ने कहा, अगर ऐसा है तो जब आप घोड़े पर सवार होकर कहीं जाते हैं, आप तब उस घोड़े पर अपने आगे कृष्ण जी के लिए भी एक बिछौना डाल दिया करें। मार्ग में चलते हुए जब आप गीत गोविंद के पदों को गाया करें, तो मन में ये भाव हो कि श्री कृष्ण इसी आसन पर विराजमान हैं। ये बात उस मुगल दरबारी को भली लगी। अगले दिन से उसने यही नियम बना लिया। अब जब भी वो घर या दरबार से बाहर होता, तो वही करता जो ब्राह्मण देव ने बताया था। जब भी वो घोड़े पर जा रहा होता, तो चलते हुए ही वो गीत गोविंद के पद गुनगुनाया करता, साथ ही अपने आगे श्री कृष्ण के लिए आसन भी बिछा लेता था। एक दिन की बात है, ज्यों ही वो दरबार में पहुंचा, त्यों ही उसको किसी कार्य से जाने की आज्ञा मिली। ऐसे में वो जैसा खड़ा था, वैसे ही घोड़े पर सवार होकर चल दिया और वो श्री कृष्ण के लिए बिछौना भी नहीं बिछा पाया।
चलते चलते सदा की भांति वो उन पदों को गाने लगा। गाते हुए वो रास्ते पर अपनी ही धुन में चला जा रहा था, तभी चलते चलते अचानक उसे अपने पीछे घुंघरू की आवाज प्रतीत हुई। शुरू में तो उसने उन्हें अनदेखा कर दिया, उसे लगा कि ये मेरा भ्रम होगा, किंतु कुछ दूर चलने पर जब उसे फिर से वही ध्वनि सुनाई पड़ी तो उस मुगल दरबारी ने घोड़े को रोककर उतर कर देखा। जब वो अपने चारों ओर उस ध्वनि के स्रोत को देख रहा था, तभी अचानक श्री कृष्ण ने प्रकट होकर उससे कहा, आप घोड़े से क्यों उतर गए और इतना सुंदर गाना बीच में ही क्यों बंद कर दिया? उस मनोहरी छवि को देखकर वह दरबारी तो हक्का बक्का हो गया। उस सांवरी सलोनी छवि को देखकर वो तो जड़वत श्री कृष्ण की तरफ देखता ही रह गया। उस सूरत को देखकर मानो वो तो पलक झपकाना भी भूल गया था। कृष्ण के उस रूप को देखकर वह इतना भाव विहल हो गया कि उसके मुख से कोई स्वर भी नहीं निकल पा रहा था। कुछ क्षण वह जड़वत रहा। जब वो थोड़ा चेतना में पुनः आया तो वो आंखों में अश्रु भरकर बोला, आप तो संसार के मालिक हो, फिर आप मेरे पीछे पीछे भागे क्यों आ रहे हो? उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण अपने होठों पर मुस्कान धरकर बोले, मैं पीछे भागा हुआ नहीं आ रहा था, अपितु मैं तो तुम्हारे उन पदों के गायन के साथ नृत्य कर रहा था। तुम जिन पदों का गायन कर रहे थे वो कोई साधारण पद नहीं है, वो तो मुझे बहुत प्रिय है। जिस स्थान पर उन पदों को गाया जाता है मैं वहाँ सदा ही उपस्थित होता हूँ। अब सदैव तुम मेरे लिए गद्दी बिछाते थे तो मैं तुम्हारे साथ बैठ जाता था, आज तुमने मेरे लिए गद्दी बिछाई ही नहीं तो मैं क्या करता? कृष्ण की ये बात सुनकर उस मुगल को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। उसका मन अपने इस अपराध के कारण ग्लानी से भर गया, उसकी आंखों में अश्रु भर आए थे। आज उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी, वह किसी और के कारण, क्योंकि किसी दूसरे का दास होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण होता है। आज उसी दासता के कारण त्रिलोकीनाथ को उसके पीछे पैदल आना पड़ा। वह कृष्ण के पैरों में गिरकर रोए जा रहा था और अपने किए पर बार बार क्षमा मांग रहा था। ऐसी ही अवस्था में वो दरबार में जा पहुंचा। वहां उसने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और वैराग्य लेकर श्याम सुंदर की भक्ति करने लगा। वो कृष्ण के भजन गाता और कृष्ण नाम का दिन रात ध्यान करता। उसने अपना जीवन श्री कृष्ण पर न्योछावर कर दिया। यह भक्त आगे चलकर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से मीर माधव नाम से विख्यात हुए। एक बार जो श्री कृष्ण के मधुर रूप को देख ले, उसे जीवन में कुछ और देखने की अभिलाषा कहाँ रह जाती है। जय श्री कृष्ण।